पंजाब की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच इस वक्त पंजाब भवन में चंडीगढ़ में मुलाकात चल रही है। दोनों के बीच मुलाकात के बाद क्या बात बन पाएगी, अब सभी की निगाह इसी पर है। चंडीगढ़ में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है और चंडीगढ़ में हो रही इस मुलाकात के बाद आखिर किस फॉर्मूले के तहत सिद्धू मानते हैं या मानते भी हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। उधर दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कैप्टन जल्द ही कांग्रेस छोड़ने का आज ही ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके मीडिया सलाहकार रवीन की तरफ से ये साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि कैप्टन अभी ना तो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और ना ही कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से इस्तीफा भी देंगे। विशाल अंग्रेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कितनी देर बैठक हो चुकी है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कब तक चल सकती है बैठक, कोई फॉर्मूला जिस पर बात हो सकती है, क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, फॉर्मूले के तहत ही ये बातचीत शुरू हुई है, क्योंकि एक डेडलॉक बना हुआ था, डेडलॉक टूट गया है और बातचीत की टेबल पर दोनों, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी है या नवजोत सिंह सिद्धू है, बैठ गए हैं और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और एजेंडा साफ है कि जो मंत्री हैं मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसी तरह डीजीपी हैं या फिर एजी हैं। अब तीन चीज़ों को छोड़ के कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता अपनाने की बात की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए तो जिसमें ना तो सिद्धू का नुकसान हो ना चरणजीत सिंह चन्नी का नुकसान हो, और क्योंकि दोनों विश्वास पात्र हैं, डीजीपी चरणजीत सिंह चन्नी के विश्वास पात्र हैं, एडवोकेट जनरल चन्नी के विश्वास पात्र हैं, और अपने विश्वास पात्रों को ही लगाना मुख्यमंत्री का भी दायित्व होता है और ऐसा चरणजीत सिंह चन्नी ने किया भी है, और वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू अपने लोगों को लगाना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनकी जो सिफारिश थी उसको दरकिनार कर दिया गया और इसी से वो लगातार नाराज भी हो रहे थे कि उनके लोगों को अच्छे पोर्टफोलियो नहीं दिए गए और उनके लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्तियां नहीं दी गई, चाहे एजी की पोस्ट पर हो या फिर डीजीपी की हो, क्योंकि दोनों ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री को करते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि सिद्धू ने जिस तरह से कल धड़ाधड़ ट्वीट भी किए थे, अपनी वीडियो भी डाली थी कि पंजाब के लिए वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, अब जो बीच का रास्ता निकलता है वो किस तरह का रास्ता निकलता है, किस फार्मूले के तहत निकलेगा, ये थोड़ी देर बाद ही क्लियर हो जाएगा कि अब झुकने के लिए चाहे नवजोत सिंह सिद्धू तैयार हैं या चरणजीत सिंह चन्नी ने तो पहले ही कह दिया था कि उनको ईगो कभी भी उन्होंने नहीं रखी और सारी बातें वो टेबल पर बैठकर ही हल करना चाहते हैं। अब खुला हाथ कितना दिया गया है चरणजीत सिंह चन्नी को, किस फॉर्मूले के तहत मना पाते हैं सिद्धू को, ये देखना होगा, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा कितना खुला हाथ मिला है जब कोई फैसला, जब कोई जानकारी इसको लेकर सामने आएगी कि सिद्धू माने या नहीं।